Hello friends, today we will study about paragraph 12.3 an electric circuit class 6 NCERT science. Student, आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, कब यह कंप्लीट होता है और कब यह नॉट कंप्लीट रहता है. इन एक्टिविटी टू, लास्ट टाइम जो एक्टिविटी टू हमने समझी थी, स्टूडेंट यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 ए एंड एफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें सिक्स अरेंजमेंट किए थे. आप देख सकते हैं इन सिक्स अरेंजमेंट में केवल ए एंड एफ अरेंजमेंट में ही हमारा बल्ब ग्लो कर पाया था, क्योंकि इन दोनों अरेंजमेंट में हमने इलेक्ट्रिक सेल के वन टर्मिनल को बल्ब के वन टर्मिनल से कनेक्ट किया और बल्ब के सेकंड टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट किया है. एफ नंबर में भी एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से, बल्ब के दूसरे टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसीलिए बल्ब ग्लो कर पाए थे, यानी सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे. तो इन्हीं को स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल कहा जा सकता है. इन दोनों अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ है. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास. और जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है स्टूडेंट, तो उसे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट टू फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का रास्ता मिल जाता है, यानी करंट को फ्लो होने का सही रास्ता मिल जाता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. द बल्ब ग्लोज ओनली वैन इलेक्ट्रिक फ्लोज थ्रू द सर्किट. और बल्ब तभी ग्लो करता है स्टूडेंट जब करंट एक सर्किट के थ्रू पास होता है, और सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब पॉजिटिव टर्मिनल को एक बल्ब के एक टर्मिनल से मिलाएंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तभी सर्किट कंप्लीट होता है और करंट को फ्लो होने का रास्ता सही मिल जाता है. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6. स्टूडेंट, करंट के जो फ्लो होने की डायरेक्शन होती है, यानी चलने की, मूव करने की, करंट की जो मोशन है वो हम 12.6 फिगर में देख सकते हैं. 12.6 फिगर में दिखाया गया डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक सेल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है चलना और बल्ब के वन टर्मिनल में से पास होते हुए फिलामेंट में से पास होता है, फिर फिलामेंट का दूसरा सिरा बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है नीचे, और फिर यह वापस से इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आता है. स्टूडेंट, ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल से उनका एक का नाम पॉजिटिव है, एक का नाम नेगेटिव है, जबकि बल्ब के जो दोनों टर्मिनल होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेम होते हैं. पॉजिटिव को चाहे हम फर्स्ट टर्मिनल से मिलाएं या सेकंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है. कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव टू नेगेटिव. व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो. और जैसे स्टूडेंट जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए फिलामेंट में से पास होता है, तो फिलामेंट एक खास तरह की मेटल का बना होता है और वो मेटल करंट की से जो हीट मिलती है उससे वह ग्लो करने लगता है. इस तरह से बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है.
Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside it intact? कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट, हम सर्किट हमें इलेक्ट्रिक सेल को भी सही से कनेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर पाता, तो हमें देखना है कि हमारा बल्ब फ्यूज तो नहीं है। हम बल्ब के अंदर जो ग्लास केस है उसके अंदर ध्यान से देखें क्या उसका फिलामेंट इंटैक्ट है, यानी कि ब्रोकन नहीं है, यानी सेफ है या नहीं। अगर हमारा बल्ब फ्यूज होगा स्टूडेंट, केवल उस सिचुएशन में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर फिलामेंट बीच में से ब्रेक है, फिलामेंट अगर ब्रेक कर देंगे बीच में से तो हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। वन रीजन फॉर द ए बल्ब टू फ्यूज इज ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through the filament. Student, बहुत से रीजन ऐसे होते हैं जिसमें बल्ब फ्यूज हो जाता है, जिनमें से एक जो मेन रीजन है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाए, और जैसे ही फिलामेंट बीच में से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कहा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट है करंट को अपना पूरा रास्ता नहीं मिल पाता, पाथ ऑफ द करंट बीच में से ब्रेक हो जाता है, तो फ्यूज बल्ब कभी भी लाइट अप नहीं हो पाएगा क्योंकि करंट उसमें से पास नहीं हो पा रहा है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई, कि क्या अब आप बता सकते हैं स्टूडेंट बी सी डी और ई अरेंजमेंट में हमारा बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर पाया। आइए फिर से देखते हैं उन अरेंजमेंट को स्टूडेंट। देख सकते हैं बी अरेंजमेंट में आप कि हमारा बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर पा रहा है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट किया, यानी करंट पॉजिटिव से चलना तो स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से जैसे ही करंट इस तरह से चलना स्टार्ट हुआ फिलामेंट में से होते हुए दूसरे टर्मिनल में से जब यहाँ तक आया, आप देख सकते हैं यहाँ आने पर हमारा वायर कनेक्ट नहीं है, तो वापस से वो नेगेटिव तक नहीं पहुँच पाया, यहाँ ब्रेक लग गया, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। सेम यही सिचुएशन सी में स्टूडेंट, पॉजिटिव से करंट केवल यहीं तक आ पाया, यहाँ आकर ब्रेक हो गया है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। डी नंबर में भी देख सकते हैं कि करंट यहाँ आकर रुक जाता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को दोनों से कनेक्ट है, नेगेटिव से तो करंट निकलता ही नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता और वो यहाँ आकर ब्रेक हो गया है, इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। बल्ब ग्लो कब करेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से वन टर्मिनल में गया, फिलामेंट में से होते हुए फिर से पॉजिटिव में आ गया, तो पॉजिटिव से गया और पॉजिटिव में ही आ गया, तो इससे भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक नेगेटिव टर्मिनल में नहीं जाएगा करंट वापस से, तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट। एफ नंबर में देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के टर्मिनल में गया और फिलामेंट में से होते हुए दूसरे टर्मिनल से पास होकर नेगेटिव टर्मिनल में आया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में जब आएगा किसी भी तरह से आए स्टूडेंट, पॉजिटिव से करंट निकलना स्टार्ट होता है और वापस से जब नेगेटिव टर्मिनल में आकर मिलता है तो सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। सो स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। आप सब जान गए होंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके हम बल्ब को कैसे ग्लो करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आपने लिए टॉर्च बनाना चाहेंगे स्टूडेंट। एक सिंपल टॉर्च बना सकते हैं एक्टिविटी 3 की हेल्प से। टेक ए टॉर्च बल्ब एंड ए पीस ऑफ वायर
remove the plastic covering at the two ends of the wires wire as you did before. क्या करना, आपको एक बल्ब लेना है, छोटा टॉर्च का बल्ब जो ख़राब लड़ी में से मिल सकता है, या कि इलेक्ट्रिसिटी की जो रिपेयर की शॉप है वहाँ एक छोटा सा बल्ब आपको मिल सकता है, और एक पेंसिल सेल जो इलेक्ट्रिक सेल दिखाया गया है उसको लेना है, और वायर को क्या करना है, दोनों तरह से उसकी एक वायर लेनी स्टूडेंट, जैसे आप फिगर 12.7 में देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया गया है, एक बल्ब और एक वायर ली गई है, वायर के दोनों सिरे जो रबर कवरिंग है उसको छील कर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और बल्ब के जो साइड में एक टर्मिनल है यानी एक टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दिया है, तो एक सिंपल टॉर्च तैयार हो जाती है स्टूडेंट। रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विद रबर बैंड। रबर बैंड की हेल्प ले सकते हैं या फिर सेलो टेप से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज द अदर टर्मिनल इज इन कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कि देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे ही हम इस बल्ब का जो नीचे का टर्मिनल है उसे इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा बल्ब के फिलामेंट में से होते हुए दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा, तो इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तुरंत सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब क्या कर जाएगा, यस, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक सिंपल टॉर्च बन जाती है स्टूडेंट। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा स्टूडेंट, यस। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। और जैसे ही हम बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से ऊपर उठाएंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, अब भी नो, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही हम टच करेंगे बल्ब को, देख सकते हैं फिर से, जैसे ही इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे यानी बल्ब को इसके ऊपर रखेंगे तुरंत सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे इसको ऊपर उठा लेंगे बल्ब को तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है। तो यहां से हम स्टूडेंट एक बात समझ पाए होंगे, इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। क्या यह स्टूडेंट सेम वैसे ही नहीं अरेंजमेंट हो गया जैसे हम टॉर्च का जो स्विच है उसको ऑन या ऑफ करते हैं, सेम ऐसे ही हमारा सिंपल टॉर्च तैयार हो गई है इस अरेंजमेंट में, कि जैसे ही बल्ब को ऊपर उठाते हैं हमारा एक तरह से स्विच ऑफ हो गया है, बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, जैसे ही बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल से टच करते हैं हमारा एक तरह से स्विच ऑन हो जाता है और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। सेम ऐसे स्टूडेंट पहली ने एक अरेंजमेंट किया, अपनी एक सिंपल टॉर्च बनाई, पहली हैच, अनोदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। क्या इस अरेंजमेंट में स्टूडेंट बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, आप बता सकते हैं। पहली ने क्या मिस्टेक कर दी स्टूडेंट, पहली ने बल्ब को भी पॉजिटिव टर्मिनल से मिला दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो वायर है वो भी देख सकते हैं पहली ने क्या गड़बड़ कर दी, बल्ब के नीचे वाले टर्मिनल से ही उसको मिला दिया है जहां से पॉजिटिव टर्मिनल को मिलाया, तो इस तरह से तो उसका सेल ही ख़राब हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे जिससे केमिकल बड़ी तेज़ी से यूज हो जाता है और बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि बल्ब के साइड में जो दूसरा टर्मिनल था वो तो खाली रह गया। तो पहली को क्या करना चाहिए था स्टूडेंट, इस वायर को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से मिलाना चाहिए था तब उसका सर्किट कंप्लीट हो पाता। तो आप ये मिस्टेक नहीं करना स्टूडेंट अगर आप टॉर्च बनाओ कि दोनों टर्मिनल को कभी भी नहीं मिलाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट इस टॉर्च में हम समझ पाए सिंपल टॉर्च की हेल्प से कि स्विच का क्या काम होता है, स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन और ऑफ करना यानी कंप्लीट और ब्रेकअप करना, जिसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ 12.4 में सीखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। आज आपको यहाँ तक ज़रूर रीड करना है लेसन को,
और नेक्स्ट पैराग्राफ 12.4 को भी एक बार रीड जरूर करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। जब तक स्टूडेंट आप 2-3 बार चैप्टर को रीड नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप डेली का डेली इस चैप्टर को जरूर स्टडी करें जितना पढ़ाया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।